शिवाय। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि मंगलवार पुष्य नक्षत्र सुबह 6 बजे से लग जाएगा, जिसके नक्षत्र स्वामी शनि देव हैं। चंद्रमा आज कर्क राशि में बने रहेंगे। पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर, संवेदनशील, बुद्धिमान, शांत हृदय और प्रसन्न चित्त रहने वाले होते हैं। ऐसे जातक व्यावहारिक, स्पष्टवादी, तकनीकी दिमाग वाले और अपने कार्यों में निपुण होते हैं। विषम परिस्थितियों में भी धैर्यपूर्वक काम करते रहते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और शनि की स्थिति अच्छी रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि के जातकों को आज विशेष सावधानी रखनी होगी। आपकी राशि से मंगल 8वें चल रहे हैं और चंद्रमा राहु के साथ 4थे घर में विराजमान है। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता और निजी सुख में कमी हो सकती है। हाँ, गाड़ी धीमे चलाएं। व्यवसाय और दैनिक दिनचर्या सामान्य रहेगी। किसी से उलझने की कोशिश ना करें। आर्थिक सहयोग बना रहेगा। पत्नी से भावनात्मक सहानुभूति मिलती रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय आज के लिए स्थगित कर दें। केले के पौधे में जल डालें और ओम हंग हनुमते नमः का मानसिक जप आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन मन में नकारात्मक विचारों का उठना संभावित है। व्यावसायिक सफलता का दौर जारी रहेगा। आर्थिक उन्नति के लिए आपके प्रयास सफल होंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहें। आपकी कार्य ऊर्जा का शुभत्व और सक्रियता प्रभावित हो सकती है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। वैवाहिक मामलों में सफलता संभावित है। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। मित्रों व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप सहायक सिद्ध होगा। मिथुन राशि वाले जातक दैनिक कार्यों में धैर्य और संयम बनाकर रखें। मित्रों या संबंधित रिश्तेदारों से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। अपनी वाणी को दूषित ना होने दें। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर हर काम करने के लिए सक्षम होगा, मगर निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। चंद्रमा और राहु दोनों आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि तात्कालिक निर्णय लेने में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। व्यावसायिक और आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। शत्रु पक्ष दबा रहेगा। अचानक लाभ के कई अवसर मिल सकते हैं, मगर नेक नियति रखते हुए अनुचित लाभ लेने की कोशिश ना करें। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा व प्रतियोगिता में सफलता की उम्मीद बनती है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। माँ दुर्गा की आराधना करें। अनुकूलता बनी रहेगी। कर्क राशि के जातक विशेष सावधानी बरतें। आपकी राशि पर राहु और चंद्रमा दोनों ग्रहण योग बना रहे हैं। मन के नकारात्मक विचारों को दूर रखें और साथ ही नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों से भी परहेज करें। वाहन सावधानी से चलाएं। आपका ऊर्जा स्तर हर कार्य के लिए सक्षम है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। शिक्षा व प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी सुख समाचार मिल सकता है। प्रवास या छोटी यात्रा संभावित है। छद्म भेष में छुपे विरोधियों से सावधान रहें। आपकी कार्य योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप सहायक सिद्ध होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी, मगर मन अशांत रहेगा। किसी से अकारण वाद विवाद संभावित है। अपव्यय की स्थिति बनी रहेगी। आपके ऊर्जा स्तर की विश्लेषणात्मक पहलू प्रभावित रहेगी, मगर अपने प्रयास और कार्य ऊर्जा से संतोषजनक स्थिति बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रति ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में संयम रखना होगा। वाहन चलाने में सावधानी रखें। फिर भी परिवार के साथ समय गुजारने का मौका मिलेगा।
कन्या राशि वाले जातक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सावधानी बरतें। आपके राशि स्वामी बुध छठवें घर में चल रहे हैं और एकादश भाव में राहु और चंद्रमा ग्रहण योग बनाकर बैठे हुए हैं। मन में नकारात्मक विचारों का दौर और पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। हालांकि व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी, आर्थिक पक्ष में सहयोग मिलता रहेगा, मित्रों और रिश्तेदारों से लाभ मिल सकता है। आपकी मनोदशा प्रभावित होने से आपकी सक्रियता और ऊर्जा स्तर दोनों प्रभावित हो सकता है। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम आवश्यक होगा। वित्तीय निवेश के लिए अभी समय उचित नहीं होगा। माँ दुर्गा की आराधना करें और गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं। साथ ही अपने वायव्य कोण मतलब पश्चिम उत्तर का कोना और मकान की छत साफ सुथरा रखें। तुला राशि वाले जातक अपने पूर्वजों द्वारा किए गए पुण्य कर्मों, अच्छे कामों की सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित हो रहे हैं और उनका सहयोग बना हुआ है, जिससे कि तात्कालिक प्रभाव में आप लाभान्वित हो रहे हैं। अपने कार्य योजनाओं को पूर्ववत निर्धारित रखें, आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। व्यावसायिक विवाद की स्थिति संभावित है, संयम से काम लेते हुए कोशिश करें कि विवाद पैदा ही ना हो। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी, वाहन धीमे चलाएं और अपने सामान के प्रति सचेत रहें। खोने या चोरी होने का अंदेशा बना हुआ है। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप सहायक सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को मन के नकारात्मक विचारों और कार्यों में आ रही अड़चनों से जूझते रहने की संभावना बनती है। आपके भाग्य भाव में ग्रहण योग चल रहा है तो कार्यों में रुकावट तो आएगी ही। धैर्य और संयम बनाकर अपने कार्यों को संपादित करते जाएं। मंगल आपके अंदर संघर्ष करने की प्रेरणा और शक्ति दोनों बरकरार रखे हैं। हिम्मत ना हारें, भविष्य की नई योजनाओं को क्रियान्वित करते जाएं। आपको सहयोग मिलता जाएगा और आपके प्रयास सार्थक होंगे। सिर्फ मन में नकारात्मक विचारों को ना लाएं और साथ ही नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों से दूर रहें। आर्थिक मामलों में व्यय संभावित है, कार्यों में रुकावट के बावजूद भी आपका ऊर्जा स्तर प्रभावित नहीं होगा। अपने कुल देवता की आराधना और पूजा सफलता दिलाएगी। धनु राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। चोट चपेट लगने का अंदेशा बनता है। व्यावसायिक मामलों में सब कुछ ठहरा हुआ सा महसूस होगा। आपका ऊर्जा स्तर ठीक ठाक होने के बावजूद भी हर काम के प्रति नकारात्मक विचार पैदा होंगे। आज की संघर्षशील स्थिति भविष्य के लिए एक नया सुखद प्लेटफार्म निर्माण करेगी, इसलिए धैर्य के साथ अपने प्रयास जारी रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, विरोधियों से सावधानी बरकरार रखें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप लाभदायक सिद्ध होगा। मकर राशि के जातकों के लिए राहु चंद्रमा का ग्रहण योग सातवें भाव में लगा हुआ है, जिससे कि पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित होने का अंदेशा बनता है। साथ ही विचारों में अनबन या मानसिक तालमेल में कमी संभावित है। अपने मन की व्यग्रता को काबू में रखें और शांत मन से अपनी कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने में समय बिताएं। शाम के बाद का माहौल सुखद और सौहार्दपूर्ण हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और आर्थिक पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी। वैवाहिक मामलों में सफलता संभावित है, सीढ़ी से उतरने चढ़ने और वाहन चलाने में सावधानी बरतें। गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। आपकी सारी ऊर्जा अच्छे स्तर पर बनी रहेगी। अपने व्यावसायिक योजनाओं को पूरा करने के लिए रचनात्मक प्रयास जारी रखें। नई कार्य योजनाओं के लिए सुझाव और निमंत्रण मिल सकता है। सावधानी पूर्वक निर्णय लेते हुए आप उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता बनी रहेगी, आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा,
हाँ, किसी से उलझने का प्रयास ना करें, अपने कार्यों को लक्ष्य बनाकर काम करते जाएं। गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं और माँ दुर्गा की आराधना करें। मीन राशि के जातकों को भी अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। खाने पीने की गड़बड़ी भारी पड़ सकती है। पेट संबंधी मामलों में संक्रमण का अंदेशा बनता है। व्यावसायिक गतिविधियां और आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। आय से अधिक व्यय की स्थिति बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में वित्तीय निवेश सोच समझ कर करना चाहिए। व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। अभी कुछ दिन संघर्ष की स्थिति संभावित है। अपने ऊर्जा स्तर और प्रयास को कम ना करें। भविष्य में आने वाले समय में इसका परिणाम सुखद होगा। केले के पौधे में जल डालें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।